बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें हमारे जो वर्ड्स है वहां पे तीन ही वर्ड्स चार वर्ड्स आ रहे हैं, ओक ट्री लीफ एंड मैपल, और फाइनली हमको मैपल सिरप की स्मेल दिखना है। मतलब ये सिरप वर्ड ही हमारे लिए टोटली नया है, बस हमारा मैपल का कोड हमको ढूंढना है। यहाँ से मैपल का कोड मिल गया, हमारा आंसर आ जाएगा, देखते हैं कैसे। अभी अगर हम मैपल के बगल में देखेंगे लीफ, क्या लीफ बगल ऊपर किसी कोड में आ रहा है? जी हाँ आ रहा है लीफ। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा वो ऑब्जर्व करो, लीफ जो है ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे देखूं मैं ओक, ये ओक जो है ओनोट नाम का है, ओ एन ओ टी, ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओक को। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस वर्ड में लीफ जो है दोनों वर्ड्स में ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक चीज क्लियर हो गया कि मापे के लिए क्या आ जाएगा, सी आर एन आई एन। तो ये जो है ये बाद में आ रहा है और मैपल पहले आ रहा है, और हमारे फाइनल क्वेश्चन में मैपल पहले है, तो हमको ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें क्रीम नाम का वर्ड ए में आना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर देखे डी एंड ए आर, डी एंड सी आर एलिजिबल, क्योंकि ए और बी में सी आर आई एन है ही नहीं। अब सी और डी में से कौन सा कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पर मैपल पहले आ रहा है और ये कोड बाद में, सिमिलरली मैपल यहाँ पर पहले आ रहा है तो कोड हमारा बाद में आना चाहिए। तो सी आर आई एन जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, ये आएगा ऐसा। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये अकेला ऐसा है जो बाद में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।